हेलो व्यूअर्स, मायसेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम हाइपरबोला बनाना सीखेंगे जनरल मेथड से। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, कंस्ट्रक्ट हाइपरबोला व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm। इसमें फोकस की डिस्टेंस दी होगी डायरेक्ट्रिक्स से, इसेंट्रिसिटी इज 3/2 ग्रेटर देन 1। दो चीज़ दी होगी, फोकस और इसेंट्रिसिटी, बस। डायरेक्ट्रिक्स बना लेते हैं, बिल्कुल एलिप्स जैसा मेथड है, किसी भी लेंथ की डायरेक्ट्रिक्स बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। और इस पर कहीं भी एक पॉइंट आप सी ले लें, ए भी नाम देते डायरेक्ट्रिक्स को। सी से एक्सिस बना रहे हैं हाइपरबोला का, किसी भी लेंथ का, सूटेबल लेंथ का। इस पर फोकस मार्क करेंगे 50 mm की दूरी पे। एफ सी एफ को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इसेंट्रिसिटी 3/2 है, 3+2 5, इसलिए 5 इक्वल पार्ट्स। वी एफ अपॉन में वी सी, इसेंट्रिसिटी होता है, वर्टेक्स जो फोकस से वो थर्ड डिवीजन पे है, वर्टेक्स जो सी पॉइंट से वो 2 डिवीजन पे है, तो फोकस से कितने डिवीजन और इसेंट्रिसिटी सी से कितने डिवीजन, तो सी से 1 और ये 2 डिवीजन, और फोकस से 1 2 और ये थर्ड डिवीजन 1 2 3 डिवीजन। वी से एक लाइन 3 सेंटीमीटर की जो कि वी एफ के बराबर होगी, वी ई इज इक्वल टू वी एफ। ये डिस्टेंस भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर है। सी से ई को जोड़ा और आगे एक्सटेंड कर दिया। आप कुछ नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे आप ले सकते हैं रैंडमली, कुछ भी 1 2 मे नॉट बी इक्वल, और लेट अस से 3, 4 तक भी ले सकते हैं, 4 या 3 पॉइंट ले लीजिए। इन सभी पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन बनाएंगे जो ऊपर सी ई वाली लाइन से इंटरसेक्ट करेगी, नीचे भी एक्सटेंड करेंगे। 2 से भी वर्टिकल लाइन जो ऊपर सी ई को कहीं इंटरसेक्ट करेगी, सिमिलरली 3 के साथ भी यही ट्रीटमेंट। 1 से ऊपर जहाँ भी इंटरसेक्ट करे 1 डैश, 2 ऊपर जहाँ भी इंटरसेक्ट करे 2 डैश, और ये 3 ऊपर जहाँ भी इंटरसेक्ट करे 3 डैश। रेडियस इक्वल टू 1 1 डैश, सेंटर एफ, ये 1 1 डैश वाली लाइन को ऊपर और नीचे इंटरसेक्ट करना है। रेडियस इक्वल टू 2 2 डैश, सेंटर एफ, 2 2 डैश वाली लाइन को ऊपर और नीचे इंटरसेक्ट करना है। रेडियस इक्वल टू 3 3 डैश, सेंटर एफ, ऊपर जो पॉइंट है इनको नाम दे देंगे हम P1 डैश, P2 डैश, और यहीं पे मेरा आया है P3 डैश। यहाँ पे नाम दे देंगे हम P1, P2, और नीचे जो कि स्क्रीन में नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमारा P3, यहाँ पे, ठीक है। V वर्टेक्स से P1 डैश, P2 डैश और P3 डैश। V मान लीजिए किसी गिवन पॉइंट पे हमें टेंजेंट नॉर्मल बनानी है, तो ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे मुझे टेंजेंट नॉर्मल बनानी है, इसको फोकस से जोड़ देंगे जैसा कि एलिप्स में किया था। जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट नॉर्मल बना रही होती है उस पॉइंट को हमेशा फोकस से जोड़ दो। फिर आपके डी का जो सेंटर है वो एफ पे सेट कर दो, और 0 डिग्री जो है इधर जहाँ से आपको टेंजेंट ये 90 डिग्री का एंगल सेट करें। एफ पी से परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई हमने जो कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्ट्रिक्स को इंटरसेक्ट करेगी, इसको नाम दिया टी। टी को ज्वाइन करेंगे पी से, ठीक है। तो ये टी वो पॉइंट है जहाँ पर हमें टेंजेंट बनानी थी, तो ये टी टी डैश आपका टेंजेंट बन गया, ठीक है स्टूडेंट। और इससे 90 डिग्री पे क्या बन जाएगा, नॉर्मल। डी का सेंटर पॉइंट पी पे रखें और 90 डिग्री का पॉइंट मार्क करें, और ये जो 90 डिग्री की लाइन होगी दिस विल बी योर एन एन डैश नॉर्मल। तो प्रोसीजर क्या रहेगा, जो भी पॉइंट कर्व पे हो उसको फोकस से जोड़ें, और उस लाइन से 90 डिग्री पे एक लाइन बनाएं और सीधे उसको उस पॉइंट से जोड़ दें, टेंजेंट का काम करेगी।